Always with you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Allah aapke aapke baby ko happy rakhe. Thank you. Inshallah. लगरी रावा, हम तो आपको लाइन मार रहे थे यार. अरे रे, देखो रावा क्या बोल रहे हैं फैंस, तुम्हें लाइन मार रहे थे लोग और तुमने मुझसे शादी की बात कर ली. कैसे चले गए ऐसे बताओ. पागल लड़की. गाइज, ये बात को बहुत टाइम हो चुका है, काफी टाइम निकल गया है. अब टाइम चला गया ये सब बोलने का. एक महीना होने आ रहा है खत्म. अभी एक महीने से मैं सब देख रही हूँ तमाशा. सो बस बहुत हो गया. पानी ऐसे नहीं, ऐसे चला गया खत्म ऊपर. बस आपने मेरा कमेंट, 3 कमेंट है रीड तो करे. सॉरी मैंने नहीं रीड किया. ये कौन सा गाना है? अच्छा, पहले अच्छे से रो लो फिर लाइव आना. मैं हो जाता है रोना वो कभी कभी. अपने बेबी की शक्ल मत दिखाना उसको, ये सलाह है. सही पकड़े. क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? स्माइल वंस. थैंक यू. नाइस वॉइस. आवाज तो मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे समझ नहीं आता आप लोग को मेरी आवाज अच्छी कैसे लग जाती है. इतनी मेरी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं है. जाज मानक का गाना चल रहा है. हाँ राइट, जाज मानक का गाना चल रहा है. अपने बेबी पर सूरे यासीन सूरे रहमान पढ़ के आप ही बब्बू के अच्छा होगा. रोज पढ़ती हूँ मैं, रोज सुनती हूँ, रोज सुनती हूँ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. फिलहाल बस मैं लाइव आ गई. खुश हो गए आप लोग क्योंकि मुझे आज ही मुझे कुछ अराउंड 60 लाइव के स्क्रीनशॉट मैंने लिए थे कि लाइव आओ लाइव आओ लाइव आओ. मैं सोची ऐसा तो क्या मैंने मिस कर दिया जो सारे मुझे लाइव बुला रहे हैं, ऐसा क्या मिस हो गया मुझसे, इसलिए मैं लाइव आई. मैं घर आई, मैंने जल्दी से मैंने सोचा चल लाइव जाती हूँ जल्दी. क्या आप माफ़ नहीं कर सकते? नहीं, माफ़ी के लायक गलती नहीं हुई. माफ़ गलतियों पर किया जाता है ना, गलती नहीं है ये, इसलिए गलती नहीं होती. दुनिया में एक भरोसे वाले होते दूसरे, हो सकता है. खैर, प्रेग्नेंट को ऐसी हालत में तकलीफ देना, कोई बात नहीं, मैं मेरा बच्चा संभाल सकती हूँ. ऐसे मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि मैं किसी के भरोसे बैठूंगी, ऐसा नहीं है. मैं आराम से संभाल सकती हूँ, 1.5 महीने से आराम से संभाल रही हूँ मैं, बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह अफशा, मैं क्या बोलूँ तेरे फॉलोअर्स को, मैं क्या बोलूँ? मुझे बताओ मैं क्या बोलूँ. फॉलोअर्स है यार ये लोग, इनका हक होता है ना थोड़ा बहुत तो पता रखने का. मैं वही तो बोल रही हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने बहुत लड़ाइयाँ की है, मैंने बहुत लड़ाइयाँ की, बहुत बुरा बुरा बोला, बहुत लड़ाई की है, लेकिन वो किस वजह से की ना, वो वजह की माफ़ी ही नहीं है, इसलिए लड़ाई की है. आप पोस्ट डिलीट कर दो, जो गाली जाना वो नहीं, गाली जाना नाम मत लो. मैं समझी नहीं, शायद दूसरी किसी लड़की के साथ सोया होगा.
शायद नहीं होता। आपकी मॉम कहाँ है? मेरी मॉम है यहीं पे, मतलब यहीं पे मतलब अंदर रूम में। आप एक बार मुस्कान नाम ले लीजिए। मुस्कान हाई। कोई नहीं, मैं आके बैंड बजा दूंगी। हाँ तुम बजा सकती हो। किससे लड़ाई हो गई अब? तुझसे हुई है। मैंने तुझे मैसेज किया था 3 दिन पहले अर्श फैम, मैंने तुझे कॉन्ग्रेचुलेट का मैसेज किया था। इमेजिन अब लॉयर बन के ऐसा करोगे तुम? हाँ वेरी गुड, ये दोस्ती है। अल्लाह सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छे से माशाल्लाह रवा, तुम्हारी हाइट बॉडी इतनी अच्छी है ना, सामने वाला देखकर डर जाएगा। हैं कहाँ किया है? अर्श जरा इंस्टा चेक करो अपना यार, क्या मतलब इंस्टाग्राम का इनबॉक्स चेक करो। मैंने लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशंस ये वो। थैंक यू यार, हाँ 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 वेलकम। कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ, ऐसी मस्ती कर रही हूँ, पर मैसेज लिखा था। हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव? नहीं, खुशखबरी कब आ रही है? सुपर एक्साइटेड, मैं खुद वेट कर रही हूँ। अब तो मैं भी थक चुकी हूँ पूरी। अब भाई अब जल्दी आ जाओ, बस हो गया, मतलब मैं थक गई। देखो कब आ रही है, अभी मैं खुद वेट कर रही हूँ। अब मैं एकदम थक चुकी हूँ सीरियसली। बेबी आने वाला है इंशाल्लाह। हैव यू विजिटेड केरला? यस बहुत बार। अब बस जल्दी से बेबी से मिलवाओ। अनमोल तुम्हें तो दिल्ली से आना पड़ेगा, यू हैव टू कम। जब हो जाएगा तो फिर मत बोलना आई कांट कम, मेरे घर पे स्टे कर लेना आकर। अनमोल भाटिया जल्दी आ जाओ। अर्श फैम हाँ जल्दी। मैं रोज ये बोलती बेटा बस अब बाहर आ जाओ, मैं थक चुकी हूँ, बहुत थक गई हूँ, मैं थक चुकी हूँ बहुत। ये एक डेढ़ महीना इतना स्ट्रेस वाला गया ना मेरे लिए, अजीब सा स्ट्रेस एकदम, बहुत ज़्यादा हैवी लग रही हूँ मैं। आप पोस्ट डिलीट कर दो जिसमें आप दोनों साथ में हैं। मैं सब कर दिया डिलीट, आप लोग ने देखा नहीं शायद। कोई नहीं, मैं और अनमोल साथ में आएंगे। अरे हाँ रवा तुम भी हो ना दिल्ली से ही, आ जाना तुम भी।